हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय नर्चर। मैं हूं कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? मस्त, बढ़िया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 11th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 13 का लेक्चर नंबर 1, जो हमको आज पढ़ना है, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। सबसे पहले एनसीईआरटी निकाल लो, ठीक है? एनसीईआरटी सामने रखो, ठीक है? क्या पढ़ने वाले हम लोग? फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स यानी कि जो हमारे एंजियोस्पर्म वगैरह हैं, जिम्नोस्पर्म वगैरह हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस कैसे होती है और क्या क्या उसके अंदर बेसिक चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करती है, प्रोसेस है थोड़ी बहुत, आओ देखते हैं। मैंने कहा एनसीईआरटी निकाल लो, निकाली, देखो हमारी तो आ गई हमारी एनसीईआरटी आ गई, तुम अपनी एनसीईआरटी निकाल लो। क्लियर है? चले आगे। गुड। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कैसे होती है, आओ थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या कह रही है हमारी एनसीईआरटी? वो कह रही है ऑल एनिमल्स, सारे के सारे जो एनिमल्स हैं, कलर थोड़ा सा चेंज कर ले, ओके, ऑल एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस बीइंग डिपेंड ऑन प्लांट। सारे एनिमल इंसानों को मिला करके, ठीक है ना, सब डिपेंड है किसके ऊपर? प्लांट के ऊपर। फॉर देयर फूड, अपने खाने के लिए। एनिमल अपने खाने के लिए और इंसान अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? प्लांट के ऊपर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। शेर प्लांट नहीं खाता है, हिरण को खाता है, लेकिन हिरण प्लांट खाता है ना? तो पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली प्लांट्स पर डिपेंड है। क्लियर है? फिर कह रहा है, हैव यू एवर वंडर्ड, क्या कभी तुम्हें अचरज हुआ है, क्या कभी तुमने एकदम कहते हैं आश्चर्य हुआ है? फ्रॉम वेयर प्लांट्स गेट देयर फूड, प्लांट अपना खाना कहां से बनाते हैं या कहां से लाते हैं? अब क्योंकि क्लास 11th की बायो पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियस ही बात है पता होगा कि प्लांट क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करके एक प्रोसेस है जिससे वो अपना खाना बना लेते हैं। क्लियर है? ओके, आगे आते हैं। ग्रीन प्लांट्स इनफैक्ट हैव टू मेक और रेदर सिंथेसाइज। क्या रहा है? ग्रीन प्लांट जो हरे पौधे होते हैं, इनफैक्ट रियलिटी में हैव टू मेक, ठीक है, और रेदर सिंथेसाइज, बनाते हैं या फिर यूं कहा जाए कि सिंथेसाइज करते हैं द फूड, वो खाना, दे नीड एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन देम फॉर देयर नीड। ग्रीन प्लांट को जो खाना चाहिए वो तो खुद बना लेते हैं जो उनको जरूरत है, एंड ऑल अदर ऑर्गेनिज्म, बाकी सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंड है उनके ऊपर, ऑन देम फॉर देयर नीड्स, अपनी जरूरतों के लिए ना। हर इंसान, जानवर, हर कोई प्लांट के ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट डिपेंड है, ठीक है? ओके, आगे आते हैं। द ग्रीन प्लांट्स मेक और रेदर सिंथेसाइज, ठीक है ना, बना रहा है, या हम यूं कह सकते हैं कि सिंथेसाइज कर रहा है, ठीक है? मेक का मतलब होता है, ठीक है, मेक मतलब बनाना है, सिंथेसाइज मतलब किसी चीज को सिंथेसाइज करना, प्रोड्यूस करना। मेक मतलब एक तरह से होता है कोई चीज बना रहा है, और सिंथेसाइज मतलब कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, लगभग लगभग एक जैसी बातें हैं। सिंथेसाइज द फूड दे नीड थ्रू फोटोसिंथेसिस, किसके थ्रू बना रहे हैं वो अपना खाना? फोटोसिंथेसिस के थ्रू। एंड आर देयरफॉर एयर, और इसीलिए कॉल्ड ऑटोट्रॉफ। ऑटो जो खुद बनाते हैं, ट्रॉफ्स, ठीक है ना, ऑटो मतलब खुद, ट्रॉफ मतलब, ठीक है ना, क्या हो जाएगा? ऑटोट्रॉफ। जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफ। क्लियर है? हैव यू ऑलरेडी लर्न दैट द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट। क्या तुम ये पहले ही पढ़ चुके हो कि दैट कि द ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज फाउंड ओनली इन प्लांट, ये सिर्फ प्लांट में पाया जाता है। एंड ऑल अदर ऑर्गेनिजम्स दैट डिपेंड ऑन ग्रीन प्लांट्स फॉर फूड आर हिट्रोट्रॉफ्स। वो सारे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट के ऊपर डिपेंड है खाने के लिए, उनको हम लोग क्या कहते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हिट्रोट्रॉफ्स। आगे आते हैं। ग्रीन प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं कैरी आउट करते हैं फोटोसिंथेसिस को, अ फिजियोकेमिकल प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस जो है एक क्या है? फिजिको केमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फिजिकोकेमिकल प्रोसेस है, बाय विच दे यूज लाइट एनर्जी टू ड्राइव द सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। एक फिजिकोकेमिकल प्रोसेस है जिसमें वो लोग क्या करते हैं? लाइट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं टू ड्राइव, चलाने के लिए ड्राइवर ड्राइव करता है। टू ड्राइव क्या ड्राइव करना है? सिंथेसिस, सिंथेसिस को चलाना है। किसकी सिंथेसिस को चलाना है? सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऐसा कंपाउंड जो कार्बन कंटेनिंग होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना। फोटोसिंथेसिस करके क्या बनता है? ग्लूकोज। क्या बनता है? ग्लूकोज। क्लियर है बातें? तो कुछ ये बातें यहां बता दिया है फोटोसिंथेसिस के बारे में, इसको मार्क कर लेंगे। कैसी प्रोसेस है? कि फिजिको केमिकल प्रोसेस है। क्लियर है? आगे आते हैं। अल्टीमेटली आखिरकार ऑल लिविंग फॉर्म ऑन अर्थ
इस अर्थ के ऊपर जितने भी लिविंग फॉर्म्स हैं डिपेंड ऑन सनलाइट, वो सनलाइट के ऊपर डिपेंड है फॉर एनर्जी, एनर्जी के लिए द यूज ऑफ एनर्जी फ्रॉम सनलाइट, ठीक है ना, एनर्जी का यूज करना सनलाइट फ्रॉम सनलाइट से बाय प्लांट, प्लांट के द्वारा सनलाइट एनर्जी का यूज किया जाना डूइंग फोटोसिंथेसिस इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। ऑब्वियसली बात है, सूरज से रोशनी आ रही है, उस रोशनी को प्लांट क्या कर रहा है, यूटिलाइज करके खाना बना ले रहा है, और उसके ही खाने की वजह से इस पूरी अर्थ पे लाइफ क्या है, टिकी हुई है, बची हुई है। यानी कि अर्थ पे अगर लाइफ का कोई बेसिस है, बेस है, तो कौन है वो, फोटोसिंथेसिस। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो अर्थ पे लाइफ नहीं रहेगी। क्लियर, आगे आते हैं। फोटोसिंथेसिस इज इंपॉर्टेंट ड्यू टू टू रीजन, ये इंपॉर्टेंट है दो कारणों से। इट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ, ये प्राइमरी सोर्स है, इस अर्थ पे जिस मर्जी टाइप का खाना हो उसका सबसे प्राइमरी सोर्स यही है, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया कि लॉयन भले ही पत्ते नहीं खाता लेकिन वो हिरण को खाता है, हिरण पत्ते को खाता है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, बाय ग्रीन प्लांट। यानी कि दो सबसे ज्यादा जरूरी चीजें जो किसी भी जानवर को चाहिए, खाना और ऑक्सीजन, दोनों काम कौन कर रहा है, प्लांट कर रहे हैं। तो समझ लो प्लांट किस हद तक हमारे लिए जरूरी है, और हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस को समझते नहीं है। आए दिन पेड़ काटते रहते हैं, जंगल काटते रहते हैं, घर बनाए जा रहे हैं, ठीक है, अंत बहुत बुरा होगा इस अर्थ का अगर ये चीज रोकी नहीं गई। तो बात समझ में आई, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें ऑक्सीजन और खाना हमको कौन दे रहा है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से हो पा रहा है। अब ये कह रहा हैव यू एवर थॉट व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, अगर यहां कुछ ऑक्सीजन नहीं होगी ब्रीथ, अरे ऑब्वियसली बात है मर जाएंगे सब। दिस चैप्टर फोकसेस ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फोटोसिंथेटिक मशीनरी, फोटोसिंथेसिस जहां होती है वो कैसा होता है, वो मशीन कैसी है, वो किस टाइप से सिस्टम है, सिस्टम का अरेंजमेंट है प्लांट के अंदर, उसके ऊपर फोकस करेगा चैप्टर ये। एंड द वेरियस रिएक्शंस दैट ट्रांसफॉर्मिंग लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, और वो सारे रिएक्शंस डिस्कस किए जाएंगे जो लाइट एनर्जी को किसमें ट्रांसफर कर रहा है, केमिकल एनर्जी में। बात समझ में आई, तो यहां उसने क्या किया, एक जनरल इंट्रो दिया कि फोटोसिंथेसिस ही सर्वे सर्वा है, फोटोसिंथेसिस ही खुदा है, फोटोसिंथेसिस नहीं तो ये अर्थ खत्म हो जाएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो चले आगे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी यहां तक, आगे आते हैं। व्हाट डू वी नो, ठीक है ना, तो आओ देखते हैं क्या जानते हैं। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट वी ऑलरेडी नो, हम क्या पहले से जानते हैं उसको ढूंढने की कोशिश करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में, किसके बारे में, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम पहले से क्या जानते हैं और ढूंढते हैं। सम सिंपल एक्सपेरिमेंट यू मे हैव डन, कुछ सिंपल से एक्सपेरिमेंट तुम कर चुके हो इन द अर्लियर क्लासेस, पहले क्लासेस में, हैव शोन दैट, जो ये दिखाते हैं क्लोरोफिल जो कि ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ होता है। पिगमेंट, पिगमेंट क्या होते हैं बच्चों, पिगमेंट क्या होता है, पिगमेंट को अगर नॉर्मल जनरल रूप में देखोगे, पिगमेंट की इसमें आगे डेफिनेशन भी आएगी, जनरली पिगमेंट एक कलरिंग या एक कलरफुल केमिकल होता है या कलरफुल कंपाउंड होता है, ठीक है ना, कलरफुल केमिकल कह सकते हैं, जनरली पानी में इंसॉल्युबल होते हैं ये, तो कलर, जो कलर जिनके पास कलर होता है उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पिगमेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो क्लोरोफिल के पास, क्लोरोफिल हरे हरे कलर के होते हैं, तो इसको क्या कहा गया, ग्रीन पिगमेंट ऑफ द लीफ, ठीक है ना। तो फिर से आते हैं, पुरानी क्लास में जो एक्सपेरिमेंट किए हैं उन्होंने क्या दिखाया हमको, उन्होंने दिखाया कि क्लोरोफिल, लाइट, CO2 आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस टू ऑकर, है ना, पढ़ चुके हम लोग, एक्सपेरिमेंट थे हमारे पास क्लास 9th या 10th में है, ठीक है, वहां पे हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रखा है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या क्या चाहिए, लाइट चाहिए, CO2 चाहिए, और अच्छा ठीक है क्या क्या चाहिए, और क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल, लाइट एंड CO2। तो मार्क कर लेंगे, फोटोसिंथेसिस के लिए जो तीन चीजें रिक्वायरमेंट हैं वो है क्लोरोफिल, लाइट और CO2। क्लियर है, ओके आगे आते हैं। यू मे हैव कैरिड आउट द एक्सपेरिमेंट टू लुक फॉर स्टार फॉर्मेशन इन टू लीव्स, वो कह रहा है तुम परफॉर्म कर सकते हो, कैरी आउट कर सकते हो एक्सपेरिमेंट टू लुक, देखने के लिए क्या देखना है, स्टार्च का फॉर्मेशन, स्टार्च इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, है ना, इन टू लीव्स, दो अलग अलग लीव्स में, ए वेरीगेटेड लीव और अ लीव दैट वॉज पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, वेरीगेटेड लीव या क्या कहेंगे, लीव दैट वॉज पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, पत्ता लिया उसको आधा आधा कवर कर दिया काले पेपर से, ठीक है ना, ओके, एंड एक्सपोज टू लाइट, और उसको लाइट को हमने ऐसा रख दिया,
ऑन टेस्टिंग दीज लीव्स, इन लीव्स को टेस्ट करने पर हमने क्या पाया, फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इट वॉज क्लियर डेट फोटोसिंथेसिस ऑकर्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। और हम लोग यहाँ पे क्या पाते हैं कि केवल जो ग्रीन पार्ट है लीफ के, लीफ के कैसे हैं ग्रीन पार्ट है, वहीं पर ही क्या हो रही है फोटोसिंथेसिस हो रही है। हमने जो पार्ट कवर कर दिया था, ठीक है ना, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई होगी। क्यों? वहां पे हमने क्या कर दिया, कवर कर दिया उसको किससे, ब्लैक पेपर से, तो वहां लाइट नहीं पहुंच पाई होगी। जो ग्रीन पार्ट था केवल उतनी उतनी जगह पर क्या हुआ, फोटोसिंथेसिस हुई। क्लियर है? आगे आते हैं। अब कह रहा है अनदर एक्सपेरिमेंट यू मे हैव कैरिड आउट, जो तुम कर सकते हो, वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ इज इनक्लोज्ड इन अ टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब में पत्ता रख दो कंटेनिंग सम KOH सोक्ड कॉटन, एक कॉटन रुई का टुकड़ा जो KOH में भिंगा दिया गया हो, ठीक है ना, विच एब्जॉर्ब CO2। अच्छा, ये जो KOH कॉटन को KOH में डाला और ऐसे रख दिया, ये क्या काम करेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, क्या कर लेगा, CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि कह रहा है टेस्ट ट्यूब लिया, ठीक है, उसके अंदर तुमने एक रुई का टुकड़ा KOH में भींगा हुआ रख दिया, ये क्या कर लेगा, इसके अंदर की सारी CO2 एब्जॉर्ब कर लेगा। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे उल्टा कर दूं, रख दूं, तो इसके अंदर की, और यहां पे क्या है कॉटन है, तो यहां की सारी CO2 क्या हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, वाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर। तो क्या कह रहा है, ठीक है, हमने पत्ते को कैसे हैव कैरिड आउट द वेयर अ पार्ट ऑफ लीफ, अब हमने क्या कर दिया, इसको ऐसा हम समझ सकते हैं कि हमने क्या कर दिया है, एक पत्ता लिया लीफ का, ठीक है, और इसको हम समझने के लिए कर लेते हैं, इतना पार्ट हमने टेस्ट ट्यूब में रख दिया इस तरीके से, और इसके अंदर यहाँ कॉटन रखी हुई थी, ये पार्ट एयर में खुला हुआ है और ये पार्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर बंद है। तो क्योंकि यहाँ की जो CO2 है वो तो खींच ली इसने, तो यहाँ CO2 तो होगी नहीं, तो अब CO2 नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो वही चीज यहाँ बताने की कोशिश की जा रही है। क्लियर है? तो क्या कह रहा है, व्हाइल द अदर हाफ इज एक्सपोज टू एयर, जो अदर हाफ है लीफ का वो हवा में रखा हुआ है, द सेटअप इज देन प्लेस्ड इन लाइट, और इस सेटअप को उठा करके हम लोग एज इट इज कहा रख देंगे लाइट में, क्योंकि लाइट भी चाहिए हमको। ओके, ऑन टेस्टिंग फॉर प्रेजेंस ऑफ स्टार्च लेटर इन द टू पार्ट ऑफ द लीफ, बाद में अगर इन दो पार्ट ऑफ लीफ में हम लोग क्या करें, क्या कर रहे हैं, ऑन टेस्टिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, स्टार्च की मौजूदगी को अगर हम लोग क्या करें, जज करें बाद में, ठीक है ना, इन दो हिस्सों में, यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो कह रहा है यू मस्ट हैव फाउंड दैट, तुम ये जरूर पाओगे, एक्सपोज्ड पार्ट जो हवा में है, ठीक है, ऑफ द लीफ टेस्टेड पॉजिटिव, वो टेस्ट पॉजिटिव हुआ, यानी कि उसमें स्टार्च पाया गया फॉर स्टार्च, व्हाइल द पोर्शन दैट वाज इन द ट्यूब, जो ट्यूब के अंदर था टेस्टेड नेगेटिव, उसके अंदर स्टार्च नहीं बना, यानी कि वहां पर फोटोसिंथेसिस हुई ही नहीं, ठीक है। दिस शोज दैट, ये दिखाता है CO2 वॉज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, ये एक्सपेरिमेंट क्या दर्शाता है कि यहां की CO2 तो KOH ने खींच ली थी, जिसकी वजह से वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाई, यानी कि CO2 भी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। कैन यू एक्सप्लेन हाउ दिस कंक्लूजन कुड बी ड्रॉन, तो हमने ऐसे ड्रॉन कर लिया KOH ने सारी सारी CO2 खींच ली यहां पर, जब CO2 मौजूद ही नहीं है, लाइट मौजूद है और पत्ते के अंदर ग्रीन क्लोरोफिल मौजूद है लेकिन CO2 मौजूद नहीं है, तो क्लियर होगी बात कि बिना CO2 के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो दो एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जो हमने परफॉर्म किए, ये पहला वाला एक्सपेरिमेंट हमने उसको क्या कर दिया, काला, ठीक है, जिससे कि पार्शली कवर्ड विद ब्लैक पेपर, काले पेपर से कवर किया, तो वहां पर लाइट नहीं पहुंच पाई, तो हमको पता चला कि हाँ लाइट जरूरी है। दूसरा हमने क्या किया, CO2 को कंफर्म किया कि CO2 जरूरी है। क्लियर है? आगे आते हैं। अब वो सब एक्सपेरिमेंट हो गए, अब कुछ एक्सपेरिमेंट और हो रहे हैं, कुछ अलग लेवल के चल रहे हैं, आओ देखते हैं। अर्ली एक्सपेरिमेंट की बात करें, इट इज इंटरेस्टिंग टू लर्न अबाउट दो सिंपल एक्सपेरिमेंट, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है जानना या पढ़ना उन सिंपल एक्सपेरिमेंट के बारे में, डेट लेड टू अ ग्रेजुअल डेवलपमेंट इन अवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। ग्रेजुअल डेवलपमेंट, क्रमशः, धीरे धीरे, है ना, वो सारे एक्सपेरिमेंट जो जिन्होंने धीरे धीरे हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाई है फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए, उनको जानना बड़ा जरूरी है, बड़े इंटरेस्टिंग है ये, तो आओ देखते हैं कैसे। ठीक है, जोसेफ प्रीस्टली 1733-1804, ठीक है ना, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया 1770 में, परफॉर्मड अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट दैट रिवील्ड, जिसने ये रहस्य खोला, द एसेंशियल रोल ऑफ एयर इन द ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। क्या रहस्य खोला, द एसेंशियल रोल ऑफ एयर,
कि एयर का रोल बड़ा ही एसेंशियल है, जरूरी है, किसमें? ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट में। ये रहस्य इन्होंने खुला कि बिना एयर के प्लांट की ग्रोथ खत्म हो जाएगी। कैसे देखते हैं प्रीस्टली क्या रहा है। ओके प्रीस्टली यू मे रिकॉल डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। ठीक है, वो कह रहा है प्रीस्टली को तुम रिकॉल कर सकते हो, इन्होंने ऑक्सीजन खोजी थी, है ना। प्रीस्टली ऑब्जर्व डेट, अब बात यहां से स्टार्ट होती है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, डेट अ कैंडल बर्निंग इन अ क्लोज्ड स्पेस, एक बंद स्पेस में अगर एक कैंडल को जलाया जाए, ठीक है, एक कैंडल को जलाया जा रहा है क्लोज स्पेस में, ठीक है, अ बेल जार, एक बेल जार में, सून गेट एक्सटिंग्विश्ड, कह रहा है कि एक कैंडल जलाओ और उसके ऊपर एक ग्लास का कवर रखकर ढक दो, ठीक है ना। देखो ऐसा ढक दिया हमने ये, जैसे ही हम इसको ढक देते हैं तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये कैंडल जो है हमारी क्या हो जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है। एक्सटिंग्विश मतलब बुझ जाती है, ठीक है। वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा अलग है, यानी कि तुमने सिंपली क्या किया, एक कैंडल लिया, इसको जलाया और इसको ऐसे ढक दिया, जैसे तुम इसको ढकते हो कैंडल मेरी बुझ जाती है, कैंडल क्या होगी, बुझ गई। फिगर 13.1 ABCD, उन चारों बात करने जा रहा है वो। सिमिलरली अ माउस वुड सून सफोकेटेड इन क्लोज्ड स्पेस, कह रहा है उसी तरीके से माउस भी क्या करेगा, सफोकेट होने लगेगा, उसका दम घुटेगा बंद जगह में। तो ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल और एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर बोथ समहाउ डैमेज द एयर। बात समझना, क्या बातें हुई, बात समझ में आ गई कि एक बेल जार के अंदर हमने क्या किया है, इसको ढक दिया है, ठीक है, थोड़ी देर बाद ये सफोकेट होने लगा है और कैंडल मेरी क्या हो गई है, बुझ गई है। और यहां क्या हो गया है, एयर भाई कहीं बाहर से तो एयर आ नहीं पा रही अब इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर की एयर में कुछ गड़बड़ियां आ गई हैं, कि बाहर तो सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं, बंद कमरे में सांस लेने में दिक्कत है। इसका मतलब यहां पर जो एयर है वो किसी तरीके से खराब हो गई है, वो इतनी सी बात बता रहा है। बात समझ में आई। ही कंक्लूडेड दैट अ बर्निंग कैंडल, एक जलती हुई कैंडल ने, या एन एनिमल दैट ब्रीथ द एयर, जो एयर को सांस ले रहा है, बोथ दोनों के दोनों समहाउ किसी तरीके से डैमेज द एयर, एयर को क्या कर दे रहे हैं, डैमेज कर दे रहे हैं, खराब कर दे रहे हैं, ठीक है। बट व्हेन ही प्लेस्ड अ मिंट प्लांट, अब वो कह रहा है कि उसने क्या किया, इन दोनों के साथ एक प्लांट और रख दिया यहां पर, ठीक है, इन द सेम बेल जार, He found that mouse stayed alive, वो जिंदा रहा, and the candle continued to burn, candle भी बुझी नहीं, ये देख रहे हो, ठीक है, इसमें एक मिंट प्लांट रख दिया है, अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चूहा भी जिंदा है, कैंडल भी नहीं बुझी और सब कुछ ओके चल रहा है। तो यहां से क्या फर्क हमें वो मिलता है, साफ साफ दिखाई दे रहा है, यहाँ पे एयर खराब हो गई थी, यानी कि जो एयर खराब हो गई है उस खराब कर रहे हैं दोनों मिलकर के, ये प्लांट उसको क्या कर दे रहा है, सही कर दे रहा है, ये प्लांट उसको क्या कर दे रहा है, सही कर दे रहा है, ठीक है। तो प्रीस्टली हाइपोथिसाइज, उसने एक अपनी हाइपोथिसिस रखी, ये सब देखते हुए क्या रखा, प्लांट रिस्टोर, रिस्टोर मतलब किस चीज को वापस वैसा का वैसा ही कर देना, टू द एयर वट एवर ब्रीदिंग एनिमल एंड बर्निंग कैंडल रिमूव, प्लांट रिस्टोर करता है एयर को, एयर के अंदर है, रिस्टोर कर रहा है एयर को, वट एवर जो भी ब्रीदिंग एनिमल और बर्निंग कैंडल ने रिमूव किया था, यानी कि एयर में से जो चीज रिमूव कर दी थी इन दोनों ने, कुछ तो चीज रिमूव करी थी जिसके बाद एयर डैमेज हो गई और ये मर गए, उस चीज को प्लांट है वापस से क्या कर रहा है, डाल रहा है एयर के अंदर। बात समझ में आई, थोड़ी सी लैंग्वेज का खेल है यहां पर और कुछ नहीं है। प्लांट क्या कर रहा है, रिस्टोर कर रहा है एयर को, एयर को रिस्टोर करना मतलब कोई चीज जो एयर डैमेज होगी तो वापस के अंदर वो सारी चीज लाके डाल देना जिससे कि वो पहले की जैसी हो जाए। क्लियर? ओके, कैन यू इमेजिन हाउ प्रीस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट, क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि प्रीस्टली ने कैसे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया होगा यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट। रिमेंबर, कह रहा याद रखो, ही वुड नीड टू रिकिंडल द कैंडल टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। ठीक है, क्या कह रहा है ये, फिर समझते हैं। कैन यू इमेजिन हाउ प्रीस्टली वुड हैव कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट यूजिंग अ कैंडल एंड अ प्लांट, एक कैंडल और प्लांट को कैसे उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा। रिमेंबर, How would need to rekindle? He would need to, उसको जरूरत पड़ी होगी rekindle, है ना, rekindle मतलब उसको जलाने की,
कैंडल को टू टेस्ट वेदर इट बर्न्स आफ्टर अ फ्यू डेज। मतलब कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, थोड़ा सा बात को समझा अगर हम लोग, कह रहा है कि उसने कैसे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया होगा, कुछ दिन छोड़ दिया होगा, ठीक है, फिर जला के देख रहा हूँ, मतलब कैसे इसे जलाया होगा, क्योंकि बार बार जलाने की जरूरत पड़ी होगी, है ना। जैसे कि मान लो यहाँ पर ये बुझ गई है, फिर जला रहा है, फिर जला रहा है, कि ये जल रही है कि अब नहीं जल रही है, ठीक है। और कैसे उसने इस कैंडल को जलाया होगा, जैसे कैंडल मान लो बुझ गई यहाँ पर, तो उसने दोबारा जलाने की कोशिश की होगी, ठीक है ना। तो कैसे ये उसने संभव किया होगा, वो उसके बारे में बात करना चाह रहा है, ये बुक पूछना चाह रही है तुमसे, ठीक है। तो कई सारे तरीके हैं इसमें, एक हम लोग इसमें यूज कर सकते हैं कन्वर्जिंग लेंस, लाइट को फोकस करके उसको जला सकते हैं, और स्पार्क, इलेक्ट्रिक स्पार्क का भी एक तरीका होता है। खैर वहां पे हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, तो यहाँ सिंपल उसने बात कर दी कि सोचो जरा उसने कैसे किया होगा। तो सोच सकते हो, नहीं भी सोचोगे तो भी चलेगा। आते हैं आगे, कह रहा है यूजिंग अ सिमिलर सेटअप, वही सेम सेटअप एज द वन यूज्ड बाय प्रीस्टली, जो प्रीस्टली ने यूज किया था, बट बाय प्लेसिंग इट वंस इन द डार्क। बट इस बार क्या कर दिया उसने, एक बार उसको डार्क में रखा, अंधेरे में, एंड वंस इन द सनलाइट, एक बार उसने उसको कहां रखा, रोशनी में। किसने, जैन आइजनहाउस ने, ठीक है ना, 1730-1799। और शोट उन्होंने दिखाया डेट सनलाइट इज इसेंशियल टू प्लांट प्रोसेस, सनलाइट क्या है, जरूरी है प्लांट प्रोसेस के लिए, डेट समहाउ प्यूरिफाई द एयर फाउल्ड बाय द बर्निंग कैंडल्स, यानी कि उसने कहा कि, और ब्रीदिंग एनिमल्स, यानी कि अब यहां पर सीधी सी एक बात हम ये देखें कि यही सेम एक्सपेरिमेंट अगर हम इस पूरे सेटअप को अंधेरे में करें तो लाइट तो मिलेगी नहीं इसको, तो अगेन जब लाइट नहीं मिलेगी तो अब तो हम जानते हैं ना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, ये O2 बाहर नहीं निकलेगी, जब O2 बाहर नहीं निकलेगी तो ये फिर से क्या हो जाएंगी, डेथ हो जाएगी इनकी। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है ना। तो बस वही बात की कि एक बार इस सेटअप को उठाकर डार्क में रखा, एक बार इसको उठा करके सनलाइट में रख दिया, किसने, जैन आइजनहाउस ने, और ये चीज साबित कर दी कि लाइट भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, ठीक है। आइजनहाउस इन एन एलिगेंट एक्सपेरिमेंट, एलिगेंट मतलब एक काफी अच्छा प्रभावी एक्सपेरिमेंट, विद एन एक्वेटिक प्लांट, उसने किसके साथ किया, एक्वेटिक प्लांट के साथ, शोड डेट, क्या दिखाया, इन ब्राइट सनलाइट स्मॉल बबल्स वर फॉर्म्ड अराउंड द ग्रीन पार्ट्स व्हाइल इन द डार्क दे डिड नॉट। उसने कहा एक एक्वेटिक प्लांट लिया पानी के अंदर, और मान लो पानी के अंदर ये प्लांट है, पत्तियां हैं उसकी, ये ठीक है, ये पत्तियों पर उसने क्या दिखाया कि इनके आसपास से छोटे 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 क्या निकल रहे हैं, बबल्स निकल रहे हैं। ऑब्वियसली बात है, बबल्स क्यों निकल रहे होंगे, ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है प्लांट, अपने अंदर से क्या निकाल रहा होगा, O2। तो O2 जब गैस है तो किस रूप में निकलेगी, बबल के रूप में निकलेगी। पानी के अंदर से जब गैस निकलती है तो किस रूप में निकलती है, बबल के रूप में, क्लियर है। लेटर ही आइडेंटिफाइड दीज बबल टू बी ऑफ ऑक्सीजन, बाद में क्या पाया गया, लेटर ही आइडेंटिफाइड, क्या पाया उसने, दीज बबल्स टू बी ऑफ ऑक्सीजन, किसके थे ये बबल, ऑक्सीजन के थे। हैंस ही शोड दैट, हैंस उसने दिखाया या बताया, दिखाया दैट इट इज ओनली द ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट दैट कुड रिलीज ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन रिलीज कर सकते हैं ये केवल और केवल कौन है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट, क्लियर है बातें। तो ये सारी बातें अभी तक एक्सपेरिमेंट की चल रही थी, ये सारी बातें किसी चल रही थी, एक्सपेरिमेंट की चल रही थी, और इन एक्सपेरिमेंट ने हमको ये दिखा दिया, ये साबित कर दिया, क्या साबित कर दिया कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चाहिए, क्लोरोफिल, यहां क्लोरोफिल का जिक्र अभी तक नहीं हुआ है, सनलाइट और क्या चाहिए, CO2, उसका जिक्र यहां पर हो चुका है, ठीक है, चलें आगे। ओके, अब क्या कह रहा है ये आगे, ठीक है, आगे आते क्या कह रहा है, इट वॉज नॉट अंटिल 1854 डेट, इट वॉज नॉट 1854 तक नहीं था कि जूलियस वॉन सेक्स प्रोवाइड एविडेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट्स ग्रो, इससे पहले नहीं था, क्या नहीं था कि ग्लूकोज का जिक्र नहीं था, जो कि किसने किया, जूलियस वॉन सेक ने प्रोवाइड करवाया कि प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज व्हेन प्लांट ग्रो, जब प्लांट बढ़ते हैं तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च, जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, बात समझ में आ रही है। हिज लेटर स्टडीज शोज दैट, उसकी बाद की स्टडी ने क्या दिखाया, दैट द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट्स, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं एज वी नो इट नाउ, जिसको हम आज क्लोरोफिल के नाम से जानते हैं, क्या कह रहा है, द ग्रीन सब्सटेंस इन द प्लांट इज लोकेटेड इन स्पेशल बॉडीज, ठीक है,
लेटर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। बाद में हमने उसको क्या कहा, क्लोरोप्लास्ट। उसने कहा एक कोई ग्रीन पिगमेंट है, एक खास तरह की खास बॉडी में पाया जा रहा है, उस समय उसका नाम नहीं पता था उसे, विद इन प्लांट सेल के अंदर, ठीक है ना। ये चीज उसने क्या करा, अपनी स्टडी में दिखाया। फिर क्या बोल रहा है, किसने दिखाया, जूलियस वॉन सैक ने, ठीक है ना। ही फाउंड दैट द ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट इज वेयर ग्लूकोज इज मेड। कह रहा है क्या पाया उसने, ग्रीन पार्ट्स इन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स इन प्लांट इज वो जगह है जहां ग्लूकोज बनता है, एंड दैट द ग्लूकोज इज यूजली स्टोर्ड एज स्टार्च। प्लांट के अंदर ग्रीन पार्ट वह जगह है जहां ग्लूकोज बनता है, और ग्लूकोज यूजली जनरली स्टोर हो जाता है किसकी फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। ये सब कौन बता रहे हैं, जूलियस वॉन सैक्स, ठीक है ना। तो यहां लिखोगे जूलियस वॉन सैक्स, उन्होंने क्या क्या बातें बताई वो लिख लोगे यहां पर एक एक करके। अब आगे आते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट का चक्कर चल रहा है ना, किस किस ने क्या क्या दिया। नाउ कंसिडर द इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट डन बाय T.W. इंगलमैन। इन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया, यूजिंग अ प्रिज्म, उन्होंने एक प्रिज्म लिया, ही स्प्लिट लाइट, प्रिज्म से लाइट बिखर जाती है ना, पता है ना, एक प्रिज्म है उसमें जब व्हाइट लाइट जाती है तो ये 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाती है, ठीक है। उसने स्प्लिट किया इनटू इट्स स्पेक्ट्रल कंपोनेंट, इसे हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम। ये 7 कलर होता है वेव ग्योर वाला, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो वहीं स्पेक्ट्रम से वर्ड आ गया स्पेक्ट्रल, ठीक है। उसने उसको स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया स्पेक्ट्रल कंपोनेंट में, यानी कि विबग्योर में, एंड देन इल्यूमिनेटेड आ ग्रीन आल्गे, और उसको किसके ऊपर डाला, ग्रीन आल्गा के ऊपर, और उसका नाम क्या था, क्लेडोफोरा। उस आल्गे का नाम क्या है, क्लेडोफोरा। प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया, किसमें डाल रखा है, एक सस्पेंशन है जिसके अंदर क्या है, बैक्टीरिया। यानी कि हम समझ सकते हैं कि एक ऐसे ग्लास होगा, यहां से ये लाइट आकर के ऐसे करके लाइट पड़ रही होगी, है ना, बात समझ में आ गई, ठीक है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर यहां पे बैक्टीरिया है इसके अंदर, ओके। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट ऑफ O2 इवोल्यूशन, ठीक है ना। बैक्टीरिया वर यूज, बैक्टीरिया को यूज किया गया था टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन, ठीक है ना, कहां कहां से O2 इवॉल्व हो रहा है। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, ठीक है। तो बात समझ में आ गई, ग्रीन एल्गा, इसके अंदर दो दो चीजें पड़ी हुई हैं, एक क्या पड़ा हुआ है, एल्गी पड़ा हुआ है, बात को समझना, ठीक है, और दूसरा क्या पड़ा हुआ है, बैक्टीरिया पड़े हुए हैं। बैक्टीरिया को कैसे बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया है, कैसे बैक्टीरिया है, ये एरोबिक बैक्टीरिया है, यानी कि इनको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए, जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए, O2 चाहिए, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये एल्गी जो है ये क्या करेगी, इस लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करेगी, फोटोसिंथेसिस जब करेगी तो इसके अंदर से क्या निकलेगा, O2 निकलेगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो समझ लो, अब यहां पर ग्रीन एल्गा क्लेडोफोर का इस्तेमाल किया, प्लेस्ड इन अ सस्पेंशन, किसके अंदर रखा हुआ एल्गी को, बैक्टीरिया के सस्पेंशन में। द बैक्टीरिया वर यूज टू डिटेक्ट द साइट्स ऑफ O2 इवोल्यूशन, बैक्टीरिया को यूज किया गया कि O2 कहां कहां से निकल रही है, क्या मतलब है कहां कहां से निकल रही है, आओ समझते हैं। ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्युमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, यानी उसने क्या देखा, विबग्योर, एक ब्लू लाइट यहां थी और रेड लाइट यहां थी, जो बैक्टीरिया थी, जो मेरे पास बैक्टीरिया है वो ज्यादातर इस रेड रीजन में और ब्लू रीजन में आकर के इकट्ठी होगी, यहां यहां पे बैक्टीरिया ना के बराबर थी। इसका मतलब साफ है, ये एल्गी फोटोसिंथेसिस के लिए एक तो ब्लू लाइट का इस्तेमाल कर रही होगी और एक रेड लाइट का इस्तेमाल कर रही होगी, या फिर हम यूं कह सकते हैं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस लाइट के द्वारा की जाती है, ब्लू और रेड, ठीक है। जब यहां फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा हो रही है तो यहां से O2 भी बहुत ज्यादा निकल रही होगी, बैक्टीरिया को O2 चाहिए, तो सारी बैक्टीरिया या तो यहां पाई गई या यहां पाई गई, ठीक है, रेड और ब्लू लाइट में, ऑफ द स्प्लिट स्पेक्ट्रम, जो स्पेक्ट्रम मेरा ये ब्रेक हो रखा है। अब फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस वाज दस डिस्क्राइब, और पहली बार एक्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम मतलब स्पेक्ट्रम जो ये समझाए कि हां फोटोसिंथेसिस का एक्शन स्पेक्ट्रम वाज दस डिस्क्राइब, कि किस लाइट के द्वारा कितनी फोटोसिंथेसिस हो रही है, कौन सा स्पेक्ट्रम का पार्ट, लाइट का पार्ट सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रहा है, बात समझ में आ रही है, क्लियर है बातें, चले आगे। तो इसी को कहा गया एक्शन स्पेक्ट्रम, यानी कि कौन सी लाइट कितनी फोटोसिंथेसिस करवा रही है, ओके। इट रिजेंबल रफली द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल, अगर हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा की बात करें कि क्लोरोफिल सबसे ज्यादा कौन सी लाइट को एब्जॉर्ब करता है,
जाहिर सी बात है जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, लाइट की एनर्जी केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर थर्ड सेकंड पढ़ चुके हो ना, ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एनर्जी ई इक्वल टू क्या होती है, एच और न्यू, है ना, एच न्यू। तो क्लोरोफिल क्या कर रहा है, जिस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा इनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब करके क्या कर रहा है, फोटोसिंथेसिस को करवा रहा है। तो सबसे ज्यादा कौन सी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है या कौन सी वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी की एनर्जी सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करवा रही है, ब्लू और रेड, उसी को एब्जॉर्ब कर रहा है और वही करवा भी रही है, ठीक है। तो क्या पाया गया, इट इज रिजेंबल रफली, किसको रिजेंबल करता है रफली, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा ऑफ क्लोरोफिल ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 13.4 जो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। यानी कि हमने क्या पाया, सबसे ज्यादा कोई लाइट जो क्लोरोफिल ए और बी अगर एब्जॉर्ब करते हैं तो वो कौन सी है, ब्लू और रेड, और इसी रीजन में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रही है, क्लियर। अब क्या कह रहा है, बाय द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, अब हम धीरे धीरे कहां आ गए हैं, 19वीं शताब्दी में, द की फीचर ऑफ प्लांट फोटोसिंथेसिस वर नोन, ठीक है, जो प्लांट के फोटोसिंथेसिस के मेन फीचर थे वर नोन, जान लिए गए थे, ठीक है ना, नेमली डेट, क्या क्या नाम है उनका, प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी, प्लांट कुड यूज लाइट एनर्जी को यूज कर सकता है टू मेक कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम CO2 एंड वाटर, या प्लांट इस्तेमाल करता है लाइट एनर्जी को टू मेक कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च, ठीक है ना, फ्रॉम CO2 एंड वाटर, ठीक है ना, कार्बोहाइड्रेट बनाएगा कहां से, CO2 से और वाटर से, किसकी हेल्प से, लाइट एनर्जी की हेल्प से। द एम्पिरिकल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द टोटल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस फॉर ऑक्सीजन इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म वाज देन अंडरस्टूड एज, उस समय जो प्रोसेस समझी गई कि किस तरीके से एक फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा, तो ये उस समय के हिसाब से एक इक्वेशन समझी गई, ठीक है, वेयर CH2O रिप्रेजेंट द कार्बोहाइड्रेट, एग्जाम्पल ग्लूकोज और 6-carbon sugar, ठीक है, ये क्या है, मेरे पास ग्लूकोज का रूप था, क्लियर है बातें। तो एक एम्पिरिकल फॉर्मूला, एक इक्वेशन जनरेट कर ली गई उस समय के हिसाब से, क्लियर। आगे आते हैं माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन, सबसे जबरदस्त माइलस्टोन मतलब पत्थर, मील का पत्थर, जिसने एकदम छाप छोड़ दी कि हाँ बस अब यही है, क्या बोला उसने, अब माइलस्टोन कंट्रीब्यूशन टू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस वॉज डेट थी मेड बाय माइक्रोबायोलॉजिस्ट कॉर्नेलियस वैन नील, ठीक है ना, इन्होंने एक सबसे जबरदस्त एक छाप छोड़ी, काम किया, क्या काम किया वो देखते हैं, हु बेस्ड ऑन हिज स्टडीज ऑफ पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया, इन्होंने अपनी स्टडी किस पर करी, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया, मार्क कर लेना, ठीक है, ये सब क्वेश्चन है, साइंटिस्ट किसने किसने क्या किया है, किस किस साइंटिस्ट ने क्या क्या योगदान रहा है, लिख करके अलग से सामने सामने लिख लेना, यहाँ पर पता ना NCERT लेके बैठे हुए हो ना, पॉज करो वीडियो को और फटाफट ये लिखते चला करो कि कॉर्नर साइड ने ये किया, इसने ये किया, इसने ये किया, साइड साइड में मार्क कर लो, नहीं तो यहाँ भी चलेगा। तो इन्होंने किसके ऊपर काम किया, पर्पल और ग्रीन बैक्टीरिया के ऊपर, डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट, दिखाया ये फोटोसिंथेसिस इज एसेंशियली अ लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, क्या दिखाया इन्होंने, क्या बात बोल दी, फोटोसिंथेसिस एक लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, इन विच जिसमें हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड रिड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, क्या कह रहा है, हाइड्रोजन एक सुटेबल कंपाउंड से जिसमें से जो रिड्यूस हो सकता है, रिड्यूस होने का मतलब क्या है, अपने अंदर से एच निकाल देगा, ठीक है ना, रिड्यूसेबल जो है, इन विच हाइड्रोजन फ्रॉम अ सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस, कैसा सब्सटेंस है ये, ऑक्सीडाइजेबल, ऑक्सीडाइजेबल का मतलब क्या है, एच यहां से निकल जाएंगे, रिड्यूसेस कार्बन, इस कार्बन को रिड्यूस कर रहे, रिड्यूस करने का मतलब क्या है, यहां से एच इसमें जुड़ जाएंगे, ऑक्सीडाइजेबल एच यहां से निकलेंगे और इसमें जुड़ जाएंगे, तो ये हो गया रिड्यूसेबल, ये हो गया ऑक्सीडाइजेबल, एक सुटेबल ऑक्सीडाइजेबल सब्सटेंस से हाइड्रोजन निकलता है, CO2 को रिड्यूस करता है, और जैसी सी में एच जुड़ते हैं, सी में जैसी एच जुड़ेंगे ये क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट बन जाएगा, ये एक बड़ी ही जबरदस्त इन्होंने बात बोली और दिखाया हमको, ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेट किया इन्होंने बाकायदा, क्या किया है, डिमॉन्स्ट्रेट किया मतलब करके दिखा दिया इन्होंने, आगे आते हैं, ठीक है, तो जो जो इन्होंने बातें बोली उनको लिखते चलना साथ साथ में, समझते चलना, इन ग्रीन प्लांट्स H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, कह रहा है ग्रीन प्लांट, अच्छा ये बात एक जनरल होगी, अब ग्रीन प्लांट की बात कर लेते हैं, ग्रीन प्लांट में आखिरकार एच कौन डोनेट कर रहा है ना, ग्रीन प्लांट में ये एच कौन डोनेट करेगा, तो ग्रीन प्लांट में H2O इज द हाइड्रोजन डोनर, H2O में से एच निकलेंगे, क्वेश्चन आता है ये, एंड इज ऑक्सीडाइज टू O2, है ना, ऑक्सीडाइजेबल, H2O किसमें ऑक्सीडाइज हो गया, O2 में, सम ऑर्गेनिज्म डू नॉट रिलीज O2 ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस, कह रहा है कुछ ऑर्गेनिज्म
O2 रिलीज नहीं करते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बात बोल के फिर एक अलग कहानी स्टार्ट कर दी, फिर एक अलग कहानी स्टार्ट कर दी। ये एनसीईआरटी में थोड़ा सा कई बार क्या था, पार्ट्स ना टुकड़े में रहते हैं। तो इस वाली लाइन को जोड़ते हुए उसने किसकी बात कर दी, ग्रीन प्लांट की, कि ग्रीन प्लांट में H2A मतलब H2O होगा। अब कह रहा है कि कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो O2 को रिलीज नहीं करते, है ना। कौन है, व्हेन H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। अब जहां पे O है ही नहीं तो O रिलीज कैसे होगा। जिन ऑर्गेनिज्म में H2O की जगह पर H2S इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, तो क्या कह रहा है, व्हेन H2S When H2S instead is the hydrogen donor, जब H2S किसकी जगह पर, H2O की जगह पर hydrogen donor होगा for purple and green sulfur bacteria, the oxidation product is sulfur or sulfate। जो product होगा यहाँ पे क्या बन गया था, O2 निकला था, यहाँ क्या निकलेगा, sulfur निकलेगा या sulfate निकलेगा, depending on the organism, not O2। तो यहाँ पर एक question create हो गया हमारे पास, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करते हैं, O2 ना निकाल के सल्फर निकाल रहे हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। क्लियर हो गया। हेंस ही इन्फर्ड, उसने एक कंक्लूजन निकाला, दैट द O2 इवॉल्व बाय द ग्रीन प्लांट कम्स फ्रॉम H2O। अब यहां पर कंफर्म हो गया, क्यों, जब H2O नहीं था तो O2 नहीं निकल रहा था, यानी कि पानी के अंदर से। तो एक बहुत बड़ी बात यहां पता चल गई हमको, है ना, ऑक्सीजन CO2 से नहीं आता है, ऑक्सीजन पानी से आता है बाहर, जो एयर में ऑक्सीजन है वो पानी से निकल के आ रहा है, CO2 से निकल के नहीं आ रहा है। क्लियर है बातें, आगे चलें। ओके, साफ साफ बोल दिया उसने कहां से आ रहा है, H2O से आ रहा है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से। दिस वॉज लेटर प्रूव्ड बाय, इसको बाद में प्रूव किया गया यूजिंग रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक, ठीक है ना, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बाद में इसे प्रूफ कर दिया गया। द करेक्ट इक्वेशन दैट वुड रिप्रेजेंट द ओवरऑल प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज देयरफॉर, बाद में एक एग्जैक्ट इक्वेशन बनाई गई और वो थी ये, जो कि हम लोग शायद क्लास 6-7 से रटते चले आ रहे हैं, है ना, समझेंगे इसे और भी ज्यादा। कह रहा है वेयर C6H12O6 रिप्रेजेंट द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, द O2 रिलीज इज फ्रॉम वाटर, O2 कहां से रिलीज हो रहा है, पानी से। दिस वॉज प्रूव्ड यूजिंग रेडियो आइसोटोप टेक्निक, यहां पर बोल दिया रेडियो आइसोटोपिक टेक्निक। अब आगे क्या कह रहा है, नोट डेट दिस इज नॉट अ सिंगल रिएक्शन बट डिस्क्रिप्शन ऑफ मल्टी स्टेप प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। यस, ये जो हम एक इक्वेशन पढ़ ले रहे हैं ना, ये अभी हम जानेंगे आगे, फोटोसिंथेसिस पूरी प्रोसेस आएगी, ये एक स्टेप की रिएक्शन नहीं होती है, एक बहुत सारे घुमावदार रिएक्शन के बाद जाकर के एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनता है। तो ये प्रोसेस जो हम लोग एक स्टेप में पढ़ ले रहे हैं, एक्चुअली ये कई सारे स्टेप के होने के बाद क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। क्लियर है, तो ये सिंगल स्टेप नहीं है जो हमको दिखाई दे रहा है, ये मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। कैसी है, मल्टी स्टेप प्रोसेस है कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर एज सब्सट्रेट आर यूज्ड इन इक्वेशन गिवन अबव। अब यहां पर एक क्वेश्चन इसने अराइज कर दिया कि भाई यहां पर अगर हम बैलेंस करें तो वाटर के मॉलिक्यूल 6 भी तो चल सकते थे, अगर मैं यहां पर 6H2O कर दूं, ठीक है ना, तब भी तो बात सही रहेगी, यहां से ये 6H2O कम कर दूं मैं, इक्वेशन मेरी बैलेंस है तब भी, तो यहां 12 की क्या जरूरत है। तो अभी हम इसको जानेंगे, क्या जानेंगे, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे यहां पर कि ठीक है, इसमें एक NADPH का रोल आता है, ठीक है ना, वहां पर हमें 2H+ की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, टोटल 6 होते हैं तो 6 × 2 = 12 हो जाते हैं, खैर वो डिटेल में समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, अभी इस क्वेश्चन को हम करेंगे जब फोटोसिंथेसिस करेंगे तो इसको एक बार रिकॉल कर लेंगे, ठीक है, कि क्यों 12 मॉलिक्यूल, है ना। ये क्वेश्चन कई बार बड़ा जनरल सा आता है कि बिना हमें बैलेंस ही तो करनी है इक्वेशन, अगर हम बैलेंस करने चले जाएं तो इक्वेशन तो ऐसे ही बैलेंस हो जाएगी, CO2 6 तो ये चाहिए प्लस, अब देखो जैसे ये H2O है, एक बात दिखा रहा हूं तुम लोगों को, तो यहां क्या है C6H12O6+O2 करते हैं, अच्छा ठीक है ना, ग्लूकोज बनेगा, वाटर मॉलिक्यूल चाहिए, यहाँ 6 CO2 चाहिए थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, 6 × 2 = 12, तो 6 है और H कितने हैं, 12 है, तो यहाँ 6 कर दिए, ठीक है ना, तो क्या हो गया, O कितने हो गए, 6 × 6 = 12 = 18 हो गए, तो यहाँ कितने हैं, 6 × 6 = 12 और 6 = 18, बैलेंस तो हो गया, ये बात समझ में आ रही है,
इक्वेशन तो बैलेंस है मेरी, अगर मैं CO2 H2 को लेकर चलूँ ग्लूकोज मॉलिक्यूल बन रहा है, इक्वेशन मेरी बैलेंस होगी भाई। फिर ये 12 की क्या जरूरत है, मुद्दा ये है, ठीक है ना। करेंगे इसको डिस्कस अभी नहीं, इसको बस दिमाग में डाल लो, इसको हम डिस्कस करेंगे जब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है, आगे आते हैं। अब कह रहा है वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस, तो कह रहा है फोटोसिंथेसिस कहां होती है, तो आओ देखते हैं। यू वुड ऑफ कोर्स आंसर, कह रहा है तुम बिल्कुल आंसर दे सकते हो, इन द ग्रीन लीफ, कहां होता है ग्रीन लीफ में, और इन द क्लोरोप्लास्ट, और इन द क्लोरोप्लास्ट, बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है ये, व्हाट यू हैव अर्लियर रीड इन चैप्टर नंबर 8, जो तुम पहले चैप्टर नंबर 8 सेल पढ़ा था हम लोगों ने, अब मत कहना नहीं पढ़ा था, सेल पढ़ लिया ना, सेल के अंदर हमने क्या पढ़ा था, क्लोरोप्लास्ट है ना, पढ़ा था क्लोरोप्लास्ट, तो बस उसी बेस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अब हम पढ़ रहे चैप्टर नंबर 13। ओके आगे आते हैं। अब क्या कह रहा है, यू आर डेफिनेटली राइट, तुम बिल्कुल सही हो, फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस इन द ग्रीन लीफ, फोटोसिंथेसिस होता है कहां, ग्रीन लीफ में ऑफ प्लांट, बट इट डज सो, बट ये ऐसा करता है ऑल्सो इन द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट, वो ये फोटोसिंथेसिस कुछ और पार्ट ऑफ प्लांट में भी करता है। कह रहा है कैन यू नेम सम अदर पार्ट वेयर यू थिंक फोटोसिंथेसिस में होकर, लीफ के अलावा क्या कोई ऐसे पार्ट बता सकते हो जहां फोटोसिंथेसिस होती है, तो बहुत ही सिंपल है, जो मेरे पास क्या होंगी, ग्रीन स्टेम होती है, ठीक है, मेरे पास जो अपना पेटियोल होता है लीफ के पीछे वाला जो पार्ट होता है, ठीक है ना, फिर क्लेडोड, फाइलोक्लेड, जो हमारे कैक्टस वाले पार्ट होते हैं ना, वो लीफ तो है नहीं, तो कुछ मॉडिफिकेशंस हैं वो स्टेम की, तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि लीफ के अलावा बहुत सी ऐसी जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होती है। क्लियर है, आओ आगे आते हैं। ठीक है, तो ये बातें तो होगी हमारी पुरानी भाई, आगे देखें क्या कह रही है ये, यू वुड रिकलेक्ट फ्रॉम प्रीवियस यूनिट दैट द मेसोफिल सेल्स, अच्छा मेसोफिल सेल याद है, भूल गए, मेसोफिल सेल्स याद हैं, ऐसे पत्ते बने हुए थे ऊपर नीचे के, एबैक्सियल एडैक्सियल है ना, ये बीच में जाइलम था, ये स्पॉन्जी सेल्स थे, ये मेसोफिल सेल्स थे। तो अगर मैं एक मेसोफिल सेल की बात करूं तो उसके क्या था, सरफेस पर यहां पर तुम लोग क्या देखते थे, क्लोरोप्लास्ट है ना, याद आ रहा है, मेसोफिल सेल से पाए जाते हैं। तो वही कह रहा है कि प्रीवियस यूनिट में तुम जान चुके हो कि द मेसोफिल सेल्स इन द लीव्स जो पत्तों में होते हैं, हैव अ लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्या होते हैं, बहुत बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट होते हैं, यूजुअली या जनरली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन। अब देखो यहां बनता है क्वेश्चन, अलाइन मतलब अपने आप को अरेंज करना, क्लोरोप्लास्ट जो होता है अपने आप को, देखो ये तो या तो ऐसे ऐसे अरेंज करेगा, और या ये क्लोरोप्लास्ट अपने आप को ऐसे ऐसे अरेंज कर लेगा, ये हो गया पैरेलल इसके सेल वॉल के पैरेलल, और ये हो गया इसके सेल वॉल के परपेंडिकुलर। ये बात समझ में आ गई, क्लियर है, तो आओ देखें क्या कहना चाह रहा आखिरकार, कब परपेंडिकुलर और कब पैरेलल, ये कंडीशन कब क्यों और कैसे आ जाती है। कह रहा है यूजली द क्लोरोप्लास्ट अलाइन, क्लोरोप्लास्ट अपने आपको अलाइन करता है देमसेल्फ अलोंग द वॉल्स ऑफ द मेसोफिल सेल्स, मेसोफिल सेल्स के वॉल्स के अलोंग अपने आपको अरेंज करता है, सच डेट इस प्रकार की दे गेट द ऑप्टिमम क्वांटिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इस प्रकार करता है या ऐसे करता है कि लाइट की मैक्सिमम क्या है क्वांटिटी या ऑप्टिमम क्वांटिटी, बहुत ज्यादा नहीं बहुत कम नहीं, वो आ सके। ठीक है, अब यहां पर ये सवाल कर रहा है, व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट विल बी अलाइंड विद देयर फ्लैट सर्फेसेस पैरेलल टू द वॉल, व्हेन वुड दे बी परपेंडिकुलर टू द इंसिडेंट लाइट, और वो कब परपेंडिकुलर होते हैं इंसिडेंट लाइट के, यानी कि ये लाइट आ रही है यहां से, तो कब ये ऐसे पैरेलल रहेंगे कब ये ऐसे रहेंगे, तो ऑब्वियसली बात है जब लाइट बहुत डिम होगी धीमी होगी तो अपने आप को बिल्कुल पैरेलल कर लेगा जैसे कि ज्यादा से ज्यादा लाइट आए, दोपहर के समय जब लाइट बहुत तेज है तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल होते हैं उनका फोटो ऑक्सीडेशन हो सकता है, मतलब कि लाइट की वजह से ऑक्सीजन क्या हो सकता है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन होकर के पड़ेंगे भी उसको हम लोग, वो क्या होता है डैमेज हो सकता है, तो लाइट कम से कम पड़े, ठीक है ना, तो वो अपने आप को कुछ ऐसे अरेंज कर लेता है। बात समझ में आ रही है, तो जब लाइट बहुत तेज है तो ऐसा कर लेगा, लाइट कम है तो ऐसा कर लेता है। क्लियर होगी बात, तो यानी कि साफ है वो अपने आप को पैरेलल और परपेंडिकुलर वॉल के हिसाब से अरेंज कर सकता है। आगे आए देखें क्या बोल रहा है अभी। ओके, यू हैव स्टडीड
तुम पढ़ चुके हो द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट इन चैप्टर 8। पढ़ा नहीं पढ़ा पॉज कर लो, देख लो, ठीक है, फिर आ जाओ आगे। अब क्या कह रहा है, विद इन द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर देयर इज अ मेम्ब्रेनस सिस्टम, ठीक है, कंसिस्टिंग ऑफ ग्रेना। अब आते हैं आगे, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। देखो ये है क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, देख रखा है एनसीईआरटी में। ये क्लोरोप्लास्ट ये डबल कैसी होती है, तीन ऐसी सेल ऑर्गेनेल जो कि डबल लेयर होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये कैसी है, ये डबल लेयर होती है ये, ठीक है, आउटर मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन डबल लेयर हो गई, ठीक है। अब इसमें ऐसे दिखा रखा है, ये ना इस तरह से बंच होते हैं इसके, इसको अगर मैं ऐसे दिखाने की कोशिश करूं, जैसे नहीं एक के ऊपर एक सिक्के रखे रहते हैं, तो ये वही है, एक के ऊपर एक ये सिक्के से रखे हुए हैं ये, ठीक है ना। इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ग्रेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेना, क्लियर है। जो इसके अंदर फ्लूइड भरा हुआ है जिसको साइटोप्लाज्म बोल सकते थे, लेकिन यहां हमने इसको क्या नाम दिया है, स्ट्रोमा। ये इसके अंदर कुछ राइबोसोम पड़े हुए, ठीक है। अब क्या है, यहां पर एक ग्रेना दूसरे उससे जुड़ा हुआ है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेले। जो एक ग्रेना को दूसरे से जोड़ रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमल लैमेले। स्ट्रोमा समझ में आ गया, स्टार्च ग्रेन्यूल। स्टार्च ग्रेन्यूल कहां से आया, फोटोसिंथेसिस हुई, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज था वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है, कैसे, स्टार्च ग्रेन्यूल के रूप में। और फाइनली क्या है, लिपिड ड्रॉपलेट्स, कुछ फैट के ड्रॉपलेट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस तरीके से ये इसके स्ट्रक्चर के अंदर कुछ चीजें पाई जा रही हैं, ठीक है। डबल लेयर है, साफ साफ समझ लो कैसा है, ये डबल लेयर होता है जो इसके अंदर एक के ऊपर एक ये बंच जैसे लगे हुए हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो अगर एक को मैं बाहर निकालूंगा बाद में हम देखेंगे इसको, अगर इस एक को मैं बाहर निकालूं ये एक पार्ट, इसको हम लोग कहते हैं थायलाकॉइड। क्या कहते हैं, थायलाकॉइड। और ये पूरा क्या हो जाता है, ग्रेना हो जाएगा, क्लियर है। ये एक क्या है, एक क्या है, थायलाकॉइड। ये थायलाकॉइड है जो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, क्या है ये, थायलाकॉइड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, थायलाकॉइड बोलते हैं, जो एक के ऊपर एक लगे हुए हैं। बंच हो गया ग्रेना, बीच का मैट्रिक्स, बीच में जो फ्लूइड से भरा हुआ स्ट्रोमा, राइबोसोम है, स्टार्च ग्रेन्यूल जो फोटोसिंथेसिस होने के बाद जो बन गया है, ठीक है, स्टार्च वो निकाल निकाल के स्टोर किया जा रहा है, फिर इसको आगे पास कर दिया जाएगा, क्लियर है। ये कहानी समझ में आ रही है, तो आओ देख लें यहां पर हम लोग क्या कह रहा है। Within the chloroplast there is a membranous system. Membranous मतलब membrane. इसके ऊपर ही membrane होती है ये, ठीक है ना। Membranous system consisting of grana. उसको हम लोग क्या कहते हैं, grana कहते हैं। The stroma lamellae. Stroma lamellae. ठीक है ना, इस membranous system के जो हिस्से हैं, ठीक है। And the matrix stroma. और क्या है ये, matrix जो इसके अंदर है उसको हम लोग matrix बोलते हैं। ये जो fluid भरा हुआ है इसके अंदर ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, matrix बोलते हैं। इसका नाम क्या है, stroma पड़ा। Figure 13.2. देयर इज क्लियर डिवीजन ऑफ लेयर। क्या रहा है यहां पर, डिवीजन ऑफ लेयर यानी कि काम जो है वो बटा हुआ है। क्लियर डिवीजन ऑफ लेयर, लेबर सॉरी, काम जो है, लेबर जो है वो बटी हुई है, कैसे, अब समझते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर काम बटा हुआ है। क्या रहा है, द मेम्ब्रेन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट। लिखते चलना अलग अलग से। ये जो मेम्ब्रेन सिस्टम है ये क्या करेगी, लाइट को ट्रैप करेगी, एंड ऑल्सो फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच। ठीक है, ट्रैप करके क्या बनाती है, दो चीजें, एटीपी और एनएडीपीएच, पहला काम खत्म। इन स्ट्रोमा, स्ट्रोमा के अंदर एंजाइमेटिक रिएक्शन होते हैं जो सिंथेसाइज करते हैं सुगर को। ठीक है, वो सिंथेसाइज क्या कर रहे हैं, सुगर को, विच इन टर्न फॉर्म स्टार्च, जो बदले में क्या बनाते हैं, स्टार्च बना देते हैं। द फॉर्मर सेट ऑफ रिएक्शन सिंस दे आर डायरेक्टली लाइट ड्रिवन, ठीक है ना, यानी कि कह रहा है जो पहला सेट ऑफ रिएक्शन है, यानी कि ट्रैपिंग द लाइट और क्या बनाना है, एटीपी और एनएडीपीएच, ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है। किस पे डिपेंड है, डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड है, डायरेक्टली, बिना लाइट के होगा नहीं, इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया है, लाइट रिएक्शन बोल दिया है। अच्छा, जो अगला स्टेप है ये वाला स्ट्रोमा वाला, इसमें क्या होता है, जो एटीपी और एनएडीपीएच बन गए हैं वो आकर के यहां इस्तेमाल होते हैं, एनर्जी देते हैं, लेकिन डायरेक्ट लाइट तो नहीं चाहिए, लेकिन लाइट के द्वारा पैदा किए गए प्रोडक्ट तो चाहिए। बात समझ में हो रही है, बात समझ में आ गई। तो डायरेक्ट लाइट तो नहीं चाहिए, किसमें, सेकंड वाले स्टेप में, इन स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है उसमें डायरेक्ट लाइट नहीं चाहिए होती है, इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, डार्क रिएक्शन कहते हैं। तो लाइट रिएक्शन का दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। दूसरा नाम क्या है, फोटोकेमिकल रिएक्शन। क्या रहा है, द लेटर आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। लेटर मतलब बाद वाला कौन है, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा के अंदर जो एंजाइमेटिक रिएक्शन हो रही है ये डायरेक्टली लाइट पे डिपेंड नहीं है,
बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट, जो लाइट के द्वारा प्रोडक्ट बनाए गए, प्रोडक्ट क्या बनाए गए, एटीपी और एनएडीपीएच, उनके ऊपर डिपेंड है, ठीक है ना। हैंस टू डिस्टिंग्विश द लेटर, बाद वाले को, दे आर कॉल्ड बाय कन्वेंशन, उनको बोल दिया गया है बाय कन्वेंशन, क्या बोल दिया गया है, डार्क रिएक्शन या कार्बन रिएक्शन, बात समझ में आ गई। हाउएवर दिस शॉर्ट दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको ये मान लें डैट दे ऑकर इन डार्कनेस, कि अंधेरे में होते हैं, और दे आर नॉट लाइट डिपेंडेंट, ये लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है ये। हाउएवर दिस शुड नॉट बी कंस्ट्रूड टू मीन, ये हमको ऐसा सोचने का मजबूर नहीं करना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, या नहीं समझना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं हम लोग यहाँ पर, कि ये डार्कनेस में होते हैं, ऐसा नहीं कि इसका अंधेरे, मतलब ये अंधेरे में होते हैं या इनको लाइट के ऊपर डिपेंड नहीं है, बस इस प्रोसेस में लाइट की डायरेक्ट जरूरत नहीं होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, डार्क रिएक्शन। तो दो टाइप के रिएक्शन, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन कहां हो रहा है, इस मेम्ब्रेन के ऊपर, डार्क रिएक्शन कहां हो रहा है, इस ट्रॉमा में। क्लियर हो गई, ये छोटी छोटी बातें अब आने लगी यहां पर, आगे आते हैं। क्लियर, ओके, वो बात वहां पर खत्म हो गई, टॉपिक हमारे पास वहां पर की टॉपिक क्या था हमारे पास यहां पर, कि फोटोसिंथेसिस कहां होती है, वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। तो फोटोसिंथेसिस की जगह यहां पे बताई गई है कहां हो रही है, आगे आते हैं। अब कह रहा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस में कितने टाइप के पिगमेंट इन्वॉल्व हैं, तो आओ देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है लुकिंग एट प्लांट्स हैव यू एवर वंडर्ड, प्लांट को देखे क्या कभी तुम्हें आश्चर्य हुआ है, व्हाई एंड हाउ देयर आर सो मेनी शेड्स ऑफ ग्रीन इन देयर लीव्स, लीव्स के अंदर बहुत सारे ग्रीन के शेड्स हैं, डार्क ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है ना, ग्रीन के बहुत सारे शेड्स होते हैं इवन इन द सेम प्लांट, यहां तक कि अगर एक ही प्लांट में देख लोगे तो अलग अलग ग्रीन के, जो ग्रीन कलर होता है पत्तों का वो अलग अलग मिल जाएगा, कोई बहुत डार्क होगा, कोई कम डार्क होगा, इस तरीके से। फिर कह रहा है वी कैन लुक फॉर एन आंसर, हम लोग आंसर को देख सकते हैं टू दिस क्वेश्चन बाय ट्राइंग टू सेपरेट द लीव पिगमेंट, हम लोग उसको कैसे समझ सकते हैं, देख सकते हैं लीव के पिगमेंट को अलग अलग कर लो, ठीक है, किसी भी ग्रीन ग्रीन प्लांट के अलग कैसे करेंगे, एक तरीका होता है, उस तरीके का नाम क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी। कह रहा है पेपर क्रोमेटोग्राफी की हेल्प से, एक टेक्निक का नाम है, ठीक है, डिटेल में नहीं जाना उसके, उसकी हेल्प से हम लोग क्या कर लेंगे, पिगमेंट सारे अलग अलग कर लेंगे। फिर क्या करेंगे उसके बाद, अ क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन ऑफ द लीफ पिगमेंट शोस दैट, क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन से हमने सेपरेट किया पिगमेंट को, वो क्या दिखाता है, दैट द कलर दैट वी सी इन द लीफ इज नॉट ड्यू टू सिंगल पिगमेंट, जो हम कलर देख रहे हैं वो किसी एक पिगमेंट की वजह से नहीं है, पिगमेंट समझ गए ना क्या होता है, कलर जो हमको कलर शो करवाता है, ठीक है ना, बट ड्यू टू द फोर पिगमेंट, चार पिगमेंट की वजह से है, क्लोरोफिल ए ब्राइट और ब्लू ग्रीन इन द क्रोमेटोग्राम, जो क्रोमेटोग्राम में कलर दिखाया क्लोरोफिल ए ने, फिर क्लोरोफिल बी येल्लो ग्रीन, जैंथोफिल येल्लो एंड कैरोटीनॉइड्स येल्लो टू येल्लो ऑरेंज, ये चार तरह के पिगमेंट है जिनकी वजह से अलग अलग शेड्स हमको लीफ के दिखाई पड़ते हैं, बात समझ में आ गई, ये चार याद करोगे। अब कह रहा है लेट अस नाउ सी व्हाट रोल्स वेरियस पिगमेंट प्ले इन फोटोसिंथेसिस, कह रहा है आओ देखें ये सारे पिगमेंट अलग अलग क्या रोल प्ले करते हैं। तो कह रहा है पिगमेंट्स आर सब्सटेंसेस दैट हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, पिगमेंट वो सब्सटेंस है जिसके पास क्षमता हैव एन एबिलिटी टू एब्जॉर्ब लाइट, लाइट को एब्जॉर्ब करने की, एट स्पेसिफिक वेवलेंथ, हर किसी पे नहीं करेगा, किसी खास वेवलेंथ की ही लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो हम पीछे देख चुके हैं जो हमने एक्सपेरिमेंट किया था क्लेडोफोरा अल्गा वाला और बैक्टीरिया वाला, ब्लू और रेड लाइट में ही ज्यादा उसको क्या कर रहा था, ब्लू वेवलेंथ और रेड वेवलेंथ को ही क्या कर रहा था, ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा था। क्लियर है, तो कह रहा है कैन यू गैस विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्लांट पिगमेंट इन द वर्ल्ड, तो ऑब्वियसली बात है इसका आंसर क्या है, ए है, मतलब क्लोरोफिल ए, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, कह रहा है अब आगे लेट अस स्टडी द ग्राफ शोइंग द एबिलिटी ऑफ क्लोरोफिल ए पिगमेंट टू एब्जॉर्ब लाइट्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ, फिगर 13.A, ठीक है, कह रहा है आओ देखें क्लोरोफिल ए पिगमेंट की एब्जॉर्ब करने की क्षमता, उसकी एबिलिटी। तो कह रहा है फिगर 13.A को गौर से देखें अगर यहां पर, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोप्लास्ट पिगमेंट, ये क्लोरोफिल ए है, कौन सा, ब्लू वाला, ये कैरोटीनॉइड है और ये क्लोरोफिल बी है। अब यहां पर ना ये रेंज है, ये रेंज ऊपर ना दे करके सीधा नीचे दे दी गई है, ये रेंज 400
500, 600, 700, ये लगभग यहां से वॉयलेट स्टार्ट होता है और इस तरफ चलते चलते क्या आता है, रेड आ जाता है। क्लियर है, ठीक है ना, मतलब रेड की शेड रहती है काफी दूर तक। तो 400 और ये 700, तो हमको साफ साफ दिखाई दे रहा है ये लगभग 400 के पास है और ये वाला पीक लगभग कहां है, 700 के पास है, ठीक है ना, यानी कि ये लगभग ब्लू के पास है और ये लगभग रेड के पास है। तो अब ये क्या कह रहा है, देखें बात समझ में आ रही, कौन सा पीक सबसे ज्यादा है, एब्जॉर्प्शन कहां पर सबसे ज्यादा लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है ये। तो क्या कह रहा है ये, ऑफकोर्स यू आर फैमिलियर विद द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम ऑफ द लाइट एज वेल एज द वेवगियर, जाहिर सी बात है चैप्टर नंबर थर्ड केमिस्ट्री का पढ़ा था, थर्ड सॉरी सेकेंड एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसमें वेवगियर स्पेक्ट्रम पूरा जिक्र हो रखा है, क्लियर है ना, पढ़ लिया होगा वो तो अभी तक। तो वहीं पे कह रहा है कि ये बात तो तुम जानते होगे कि लाइट की वेवलेंथ क्या होती है और वेवगियर क्या होता है, ठीक है। कह रहा है फ्रॉम फिगर 13.3A, ठीक है ना, 13.3 का एक ऊपर ग्राफ है, यू कैन डिटरमाइन द वेवलेंथ, तुम डिटरमाइन कर सकते हो वेवलेंथ को, कलर ऑफ लाइट एट विच क्लोरोफिल ए शोज द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, डज इट शो अनदर एब्जॉर्प्शन पीक एट एनी अदर वेवलेंथ टू, इफ यस विच वन। तो कह रहा है कहां कहां पर इसकी पीक है, तो हमको साफ साफ दिख रही है एक पीक ये है और एक पीक ये है। तो इस सवाल का जवाब तो हमें मिल गया यहां से, ठीक है आगे आते हैं। नाउ लुक एट फिगर 13.B देख लेते हैं भैया, ये रहा, ये क्या है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का रेट, ये देखो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस का पीक भी इसी रेंज पे आ रहा है, सेम रेंज पे, कि फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा इसी वेवलेंथ पे हो रही है। तो क्या कह रहा है ये, क्या दिखा रहा है, शोइंग द वेवलेंथ एट विच मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ऑकर, ये वो वेवलेंथ दिखा रहा है जहां पर फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो रही है, ठीक है। कैन यू सी दैट द वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन बाय क्लोरोफिल ए दैट इज इन द ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो शोज हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्या कह रहा है, कैन यू सी दैट, क्या तुम ये देख सकते हो, वेवलेंथ एट विच देयर इज अ मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन, वो वेवलेंथ जहां पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो रहा है किसके द्वारा, बाय क्लोरोफिल के द्वारा, ठीक है, इन द ब्लू एंड रेड रीजन आल्सो शोज, वही क्या ये भी वही दिखा रहा है, हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ब्लू और रेड रीजन ही वही रीजन है जहां पर क्या हो रही है, फोटोसिंथेसिस का रेट भी हायर है, क्लियर, ये एक बात होगी यहां पर, ठीक है। अब क्या कह रहा है, हेंस वी कैन कंक्लूड दैट, हम कंक्लूड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्लोरोफिल ए इज द चीफ पिगमेंट एसोसिएटेड विद द फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। तो यानी कि हमने यहां पे साफ साफ देखा क्लोरोफिल ए किस रेंज में लाइट को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कर रहा है, उसी रेंज में फोटोसिंथेसिस भी सबसे ज्यादा हो रही है, ना कि इसकी रेंज में हो रही है। तो इसका मतलब जो चीफ मेन कंपोनेंट है वो कौन आ जाएगा, क्लोरोफिल ए आ जाएगा, क्लियर है। अब सवाल क्या कर रहा है, बट बाय लुकिंग एट फिगर 13.3 कैन यू से दैट देयर इज अ कंप्लीट 1-to-1 ओवरलैप बिटवीन द एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए एंड द एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस, कह रहा है क्या तुम 13.3 को ये कह सकते हो कि ये बिल्कुल 1-to-1 यानी कि बिल्कुल एक जैसा एक तार है, कि फोटोसिंथेसिस और एब्जॉर्प्शन का स्पेक्ट्रम बिल्कुल एक ऊपर एक ओवरलैप हो रहा है। तो ऑब्वियसली बात है सिमिलर है, जिस रेंज में ये दिखा रहा है उसी रेंज में ये भी मैक्सिमम है, बट बिल्कुल एक्यूरेट ओवरलैप नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है। क्यों एग्जैक्ट नहीं है, क्योंकि ये जो है ये किसका ग्राफ है, ए का, ए के अलावा बाकी तीन भी तो हैं, वो भी तो कुछ ना कुछ हेल्प कर रहे होंगे। तो इसकी वजह से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा कर्व या क्या होता है, एरिया वाइड हो जाता है, यानी कि ए के अलावा कुछ और भी पिगमेंट्स हैं जो फोटोसिंथेसिस करवा रहे हैं, इसीलिए फोटोसिंथेसिस का जो कर्व है थोड़ा सा बड़ा रहता है कंपेयर टू क्लोरोफिल ए, क्योंकि कुछ और पिगमेंट भी थे जो क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प कर रहे हैं। बात समझ में आई, आंसर मिला इसका, चलो आगे आते हैं। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कि ये 1-to-1 ओवरलैप तो नहीं है, बिल्कुल एग्जैक्ट ओवरलैप नहीं है। अभी क्या कह रहा है, दीज ग्राफ्स टुगेदर शो दैट मोस्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन द ब्लू एंड रेड रीजन, दिख गया हमको ये कि सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस किस रीजन में हो रही है, ब्लू में और रेड रीजन में हो रही है, ऑफ द स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम के ब्लू और रेड रीजन में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हो रही है। सम फोटोसिंथेसिस डज टेक प्लेस एट द अदर वेवलेंथ, कुछ फोटोसिंथेसिस कुछ और वेवलेंथ पर भी हो रही है, ठीक है, ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम, लेट अस सी हाउ दिस हैपन, आओ देखते हैं कैसे होता है। कह रहा है दो यद्यपि क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट, कह रहा है क्लोरोफिल भले ही एक मेजर पिगमेंट है,
रिस्पॉन्सिबल है ट्रैपिंग द लाइट, लाइट को ट्रैप करने के लिए. अदर थायलाकॉइड मेम्ब्रेन, देखो थायलाकॉइड का जिक्र वहां नहीं किया लेकिन थायलाकॉइड का जिक्र इन्होंने यहां कर दिया है. ठीक है, वो जो एक एक पैकेट था वो क्या था? थायलाकॉइड. याद आया थायलाकॉइड? ये मैंने दिखाया था. ये क्या था? एक. ये एक क्या होता है? ये एक एक. ये क्या होते हैं? थायलाकॉइड. क्लियर है? तो कह रहा है अदर थायलाकॉइड पिगमेंट लाइक क्लोरोफिल. ठीक है ना, दो क्लोरोफिल इज द मेजर पिगमेंट. कह रहा है क्लोरोफिल भले ही एक मेजर पिगमेंट है, रिस्पॉन्सिबल है लाइट को ट्रैप करने के लिए. ठीक है ना, अदर थायलाकॉइड पिगमेंट, जो अदर थायलाकॉइड के पिगमेंट है लाइक क्लोरोफिल बी जैंथोफिल एंड कैरोटीनॉइड विच आर कॉल्ड एसेसरी पिगमेंट. नोट करेंगे इसको, क्या कहा जाता है इनको? एसेसरी पिगमेंट, जो सहायक होते हैं. ऑल्सो एब्जॉर्ब लाइट, ये भी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं. ट्रांसफर द एनर्जी, और एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं टू क्लोरोफिल ए. ये लाइट एनर्जी को कैप्चर कर करके क्लोरोफिल ए के पास भेजते रहते हैं. ठीक है, पढ़ेंगे डिटेल में आगे, इसी चैप्टर में आएगा ये सब चीजें. इनडीड, कह रहा है सचमुच, दे नॉट ओनली इनेबल अ वाइडर रेंज, ये एक बड़ी रेंज को ही इनेबल नहीं करते हैं वेवलेंथ ऑफ इनकमिंग लाइट टू बी यूटिलाइज फॉर फोटोसिंथेसिस बट ऑल्सो प्रोटेक्ट क्लोरोफिल ए फ्रॉम द फोटो ऑक्सीडेशन. ये एक फोटोसिंथेसिस की रेंज को ही नहीं बढ़ा रहे हैं कि बस इन्हीं दो वेवलेंथ से होगा, कई सारी वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो एक रेंज बढ़ जाती है फोटोसिंथेसिस की. उसके साथ साथ ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसको भी अंडरलाइन करेंगे, किससे? फोटो ऑक्सीडेशन से. यानी कि फोटो ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस होती है लाइट की वजह से. जब लाइट बहुत तेज होती है तो क्लोरोफिल ए का क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना. तो उससे भी इसको ये क्या करते हैं? बचाते हैं. बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आएगा व्हाट इज लाइट रिएक्शन, जिसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. इतनी बातें बिल्कुल बेसिक हैं, इसको क्या करना है? बिल्कुल अच्छे से समझ के, थोड़ा सा चैप्टर टेढ़ा भी है, बहुत सारे नए टर्म्स आ रहे हैं, तो बिल्कुल अच्छे से समझ के दिमाग में एक एक पॉइंट को सेट करेंगे, ताकि जब हम आगे की बातें करेंगे तो बिल्कुल एकदम दिमाग में क्या है, एक एक पॉइंट जब करते चलेंगे बार बार पन्ने पीछे पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ठीक है, एनसीईआरटी में ही सारी चीजें मेंशन करोगे. एनसीईआरटी की एक एक लाइन हम पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे, जो जो क्वेश्चन बनते हैं उसको हम लोग देखते चलेंगे. क्लियर है? तो क्या करना है? रिवीजन करना है, ये तो पढ़ना ही है, और साथ में जो पुराना पढ़ लिया है उसको क्या करना है? रिवाइज करना है. क्लियर है? ऑल द बेस्ट.